हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर जवानों को मिला कर्नल साहब का साथ, एरियर पर भी बहुत अच्छी बात कही। देखिए, कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जो मैं आपको कर्नल साहब के दिखाने वाला हूँ। देखिए, हमारी डिमांड काफ़ी पहले से है कि फिटमेंट फैक्टर जो 2.57 मिला था जवानों को, उसको बढ़ा के 2.81 यानी जितना ऑफिसर्स को मिला था उतना मिलना चाहिए, और डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें यहाँ पर अभी सहयोग मिला है, साथ दिया है कर्नल साहब ने, जो हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, कर्नल लांबा, इनका नाम आपने कई बार यूट्यूब पर सुना होगा, क्योंकि इनके जो कमेंट्स होते हैं वो काफ़ी वैल्यूबल होते हैं जब भी हम बात करते हैं यूट्यूब के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर इनका एक ट्वीट आया है, एम द जवान प्राइड ऑफ नेशन, डिसेबिलिटी शुड बी इक्वल। उन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट बोला है कि जो डिसेबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। हम भी देखिए बहुत दिन से डिमांड करते आ रहे हैं कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि डिसेबिलिटी में सेम मेडिसिन होती हैं, सेम बॉडी पार्ट होता है, सेम यानी कह सकते हैं कि सब चीज़ें होती हैं, दुख दर्द जो है बॉडी को सेम होता है। तो डिसेबिलिटी जो है उसका पे से कोई लिंक नहीं होना चाहिए, जो आपका पे लेवल है वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। अब बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर की। ऑफिसर्स का फिटमेंट फैक्टर 2.81, जवान का फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57। तो ये उन्होंने बोला है इट शुड बी 2.81 फॉर ऑल, सेम रेशियो फॉर ऑल फॉर सिमिलर डिसेबिलिटी। यानी दो चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, यानी जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.81 वो सभी के लिए होना चाहिए, नीचे से लेके ऊपर की रैंक तक। और अगर हम बात करें डिसेबिलिटी पेंशन, तो वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने देखिए एक चीज़ और मेंशन की है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, नो इनकम टैक्स एग्जम्पशंस ऑन सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी इन पीस। अगर किसी को देखिए पीस के दौरान डिसेबिलिटी पेंशन मिली है, पीस में रहने की वजह से मिली है, तो देखिए उनको इनकम टैक्स में जो है एग्जम्पशन नहीं मिलना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो लाखों रुपए डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में वो बच जाते हैं, क्योंकि वो डिसेबिलिटी के नाम पे हो जाते हैं। देखिए, डिसेबिलिटी अगर हाई एल्टीट्यूड में हुई है तो वो डिसेबिलिटी जो है टैक्स से एग्जम्पशन होना चाहिए, लेकिन अगर आप हाइपरटेंशन लेके और भी कुछ लाइफस्टाइल डिसीज लेके डिसेबिलिटी ले रखी है और आप उसमें इनकम टैक्स का एग्जम्पशन भी चाहते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, देखिए उन्होंने जो एक ये सबका संघर्ष समिति है, उनका जो चार्ट था वो भी डाला इन्होंने कि डिसेबिलिटी जो है कितनी कितनी है, जवान की कितनी है, ऑफिसर की कितनी है। तो आप देख सकते हैं 241,000 यहाँ वार इंजीनियरिंग में है अगर 100% ऑफिसर के लिए, वहीं ये जवानों के लिए देखिए 19,000 है। देखिए, मैंने भी आपके सामने कई वीडियो में आपको अपना डाटा दिखाया है कि कितना कितना डिफरेंस आया है। देखिए, अगर हम सिपाही की बात करें, फोर्थ CPC से अब तक कितना डिफरेंस आया है 2006 से, तो आप देखेंगे 238% यहाँ पर जो है बढ़ी है सिपाही की। वहाँ धीरे से बढ़ते चलेंगे हम आगे, अगर जब हम पहुँचे ऑफिसर के लेवल पे, तो आप देखेंगे जो हमारा 238 था वो 1000% से भी ज़्यादा यानी 1112% बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है, यानी 5-5 गुना वो डिसेबिलिटी पेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, जबकि डिसेबिलिटी पेंशन एक टाइम पे अगर हम बात करें फोर्थ CPC में, तो देखिए 450 रुपये होता था सिपाही नायक हवलदार का, और जो ऑफिसर्स होते थे उनको 750 रुपये होता, यानी डबल से भी कम होता था। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन में, तो देखिए डबल से भी कम होता था, जो अब 5 गुने से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो देखिए, ये जो है सबका समान होना चाहिए। एक उनका देखिए और ट्वीट है जो मुझे बहुत पसंद आया, आप देख सकते हैं, ये इन्होंने रिप्लाई किया है सतबीर SM यानी मेजर जनरल सतबीर सिंह जी को। उन्होंने लिखा है, फर्दर डिलेइंग ऑफ एरियर्स एज पर सुप्रीम कोर्ट 4 लाख लेफ्ट दिस वर्ल्ड। जैसे सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि 4 लाख जो पेंशनर्स हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, यानी वो अपनी जो लाइफ है वो यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है। फर्दर डिले विल स्पीड अप डेथ्स एज ओल्ड एज डेथ रेट इज हाईएस्ट पर मंथ। अगर हम बात करें डेथ रेट जो हर महीने बढ़ रही है, वो देखिए ज़्यादा होती जा रही है, तो और भी ज़्यादा लोग जो हैं धीरे 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 जो हैं वो मरते चले जाएंगे एज पर डेथ रेट के आधार पर। देन हाउ विल बी दे गेट एरियर्स इन हेवन, तो क्या वो हेवन में अपना एरियर्स लेंगे, एंड मेकिंग देयर लाइफ हेल हियर ड्यू फॉर डिले। बी फ्रेंडली टू वेटरन्स, वेटरन्स के साथ फ्रेंडली रहिए,
एल्स बाबूज विल बी हैप्पी, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, जो बाबू लोग हैं वो ही यहाँ पर खुश रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर उनके जो कमेंट्स हैं बहुत वैल्यूबल हैं, और उनका जो कमेंट आया है डिसेबिलिटी पेंशन सेम को लेकर, और दूसरा जो फैक्टर था फिटमेंट फैक्टर उसको देखिए 2.81 करने की यहाँ पर उन्होंने बात कही है। और देखिए ये एक बहुत अच्छा पहल है। देखिए जब से एकता आपके अंदर आई है, जितने भी एक्स सर्विस मैन हैं, वेटरन्स हैं हमारे, उन सबके अंदर एकता को देख के देखिए आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। इस सपोर्ट को बनाए रखना है आपको, इस सपोर्ट को आपको कहीं भी छोड़ना नहीं है, और आपस में ये जो आप कह सकते हैं कि यूनिटी है, इसको कहीं भी आपको डाउन नहीं होने देना है, यूनिटी को बना के रखना है। क्योंकि कहीं भी अगर आपने यूनिटी को छोड़ा, कहीं भी आप अपने आपसी मतभेद में आ गए, संगठन में आ गए, तो देखिए ये जो आपको सपोर्ट मिल रहा है ये धीरे धीरे मिलना बंद हो जाएगा, और जो आपको आपका टारगेट तक पहुँचना है आप सभी के लिए, वो देखिए आप पहुँचने में शायद कहीं ना कहीं चूक कर जाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी एकता बनाए रखनी है, और बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल लांबा साहब का भी कि उन्होंने देखिए यहाँ पर सपोर्ट किया है। ऐसे सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है धीरे धीरे करके, तभी देखिए ये जो संगठन है ये इतना मजबूत हो पाएगा कि हमारी बात ऊपर सुनी जाएगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।